ठीक है, देखो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो बेस से कितने हाइट पर होगा, यहाँ पर होगा सेंटर ऑफ मास, और ये जो बेस होगा बेस से कितने हाइट पर होगा, ये हाइट होगा h/4। ठीक है, यानी बेस से h/4 डिस्टेंस पर होगा। एक काम कीजिएगा, आप इसे नोट डाउन कीजिएगा और एक पेज इसका छोड़ दीजिएगा। ठीक है, इसको सामने बैठ करके समझा दूंगा, क्योंकि डेरिवेशन समझाने में सामने बैठ करके समझाऊंगा, तुम इंस्टीट्यूट में तो मिल ही जाते हो, तो वहां पर समझा दूंगा इसको। एक पेज छोड़ दीजिएगा। सर आज नहीं आएंगे? अरे कोई बात नहीं, कल आना, परसों आना, इतना क्या टेंशन। आज वैसे बोल भी नहीं रहा हूँ आने के लिए। ओके सर। डायग्राम को बनाना है। हाँ, डायग्राम तो बनाना ही। पेज की तारीफ करना क्या एक पेज छोड़ दीजिए ना, पूरा बड़ा वाला, आप डेढ़ पेज छोड़ दीजिए जिस कॉपी में आप लिखते हो उसमें। अब देखिए, दो सर डन हो गया। अब हम देखते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ सर्कुलर आर्क। हमने रिंग में बता दिया है आपको, सेमी सेमी सर्कुलर रिंग का बताया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा सेमी सर्कुलर रिंग ही मिले। किसी भी तरह का अगर सर्कुलर आर्क मिलता है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा ये बताता हूँ। सेंटर ऑफ मास ऑफ सर्कुलर आर्क, ठीक है, जैसे ये रहा, सर्कल है लेकिन आर्क जो है इतना ही दिया हुआ है, इतना ही आर्क दिया हुआ है, आर्क इतना ही दिया है। इसके बीच का जो एंगल है वो मान लो कि कितना दिया हुआ है, 2 थीटा, ये एंगल 2 थीटा। तो एक बात बताइए, ये जो रिंग है हमारे पास, मतलब आर्क जो है, ये सर्कुलर आर्क हो गया, इसका रेडियस हम आर कह देते हैं, ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, किस लाइन पर होगा, ये पता है? एक बार रिपीट कर दीजिए। ये देखो, ये रिंग है, सर्कुलर आर्क है, जैसे रिंग का कोई पार्ट है, आर्क है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा अभी इस कंडीशन में, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बाइसेक्टर, इसको जो बाइसेक्ट करेगा जो लाइन, उसी लाइन पर होगा, क्योंकि यस एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सर। क्योंकि भैया जितना इधर है उतना इधर है, तो बीच में ही होगा यहीं पर। और इसका जो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस रहेगा, यहां से हम मान लेते हैं
ये जो xcm जो मान लेते हैं, xcm जो होगा सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस होगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी r साइन थीटा अपॉन थीटा, ठीक है, r साइन थीटा अपॉन थीटा। भाई ये मत सोच लेना गारू कि हमेशा xcm है, भाई इस रिंग को उल्टा करके ऊपर रख दिए तो ycm बन जाएगा, इधर रख दिए तो कोई rcm होगा, ठीक है। ये डिस्टेंस हम सिर्फ बता रहे हैं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है। यस सर। अब इसको एक एग्जांपल से ठीक कर दे, एक एग्जांपल देकर के इसको मैं सेटिस्फाई करता हूं, ठीक है। इसको पहले नोट डाउन कीजिए, फिर इसका एग्जांपल देता हूं, थोड़ा फास्ट कीजिएगा सर। इसका डेरिवेशन बाद में होगा? नहीं, इसका डेरिवेशन नहीं होगा, इसका डेरिवेशन का उतना ही जरूरत नहीं है। ओके सर। छोटे छोटे रिजल्ट जो है, क्योंकि इसका डेरिवेशन मैं एक तरह से करवा दिया हूँ, उसमें करवाया हूँ ना, जो सेमी सर्कुलर रिंग का कराया हूँ ना, सेम डेरिवेशन, सेम टू सेम डेरिवेशन होगा। ओके सर। सॉरी, टू थीटा कौन सा एंगल है? टू थीटा ये एंगल है, जो आर्क जो है ना, ये जो लाइन बन रहा है ये वाला, okay, ये टू। हो गया सर, ठीक है। अब देखो, इसी के आधार पर मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि देखो, अब मैं आप लोगों को क्या बता दिया हूं, सेमी सर्कुलर रिंग का तो फॉर्मूला बता चुका हूं, पहले से डिराइव किया हूं, उसी का फाइंड करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो फॉर्मूला आपको पता ही है, तो आंसर मैच कर जाएगा तो गर्व खुश हो जाएगा कि चलो भाई फॉर्मूला सही है ना गर्व? यस सर। चलो ठीक है, आप सबको पता है सेमी सर्कुलर रिंग का क्या होता है, बता गर्व। लो, न्यू ईयर में पीछे की बातें सारा छोड़ दिया, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास बताना है ना? हाँ सर, एक्सीएम तो जीरो होता है, वाईसीएम टू आर अपॉन पाई, कुछ ऐसी।
चलो ठीक है, देखते हैं जो आ जाएगा वही होगा। चलो ये तो हमें पता करना है, यही यही है ना। तो ये देखो ये एंगल कितना है यहाँ पर, ये एंगल कितना है, 2 थीटा क्या है 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ कहीं होगा सेंटर ऑफ मास, अब मान लेते हैं इसको वाई सी। हमने फॉर्मूला क्या बताया था, आर साइन थीटा अपॉन थीटा। ठीक है, अरे 2 थीटा इज इक्वल टू पाई बोल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, आर लिख देंगे, साइन थीटा के जगह पर हमें पाई बाई 2 लिख दें। यस सर, यस सर, डिवाइड कर दें, थीटा की जगह पाई लिख दें, पाई बाई 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा। साइन 90 कितना होता है अंचित, 1। चलो अच्छी बात है, कितना आंसर आ गया, 2r बाई पाई, देखो आंसर आ गया। यस सर, यस सर, बहुत लंबा डेरिवेशन तुम लोग किए थे, उसको हमने 1, 2, 3 स्टेप में खत्म कर दिया। ठीक है सर, ये अब ये 2r क्या सर, कुछ नहीं होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, अब चलो एक चीज और बता देता हूँ। ठीक है, अब जो है पता है, थोड़ा सा जो क्वेश्चन देने वाला जो रहता है पता है, दिमाग के साथ खेलता है, तो ध्यान में रखिएगा, खेलने मत दीजिएगा दिमाग के साथ में। मैं आपको पूरा ट्रेंड कर रहा हूँ कहाँ से कैसे दिमाग है। अब क्वेश्चन देने वाला बोला कि काम करो, ये है, ये रिंग दिया हुआ, एक रिंग है जिसका ही पार्ट है, और या मैं रेडियस आर ही लेता हूं, कोई डाटा नहीं रखता हूं। ठीक है, ऐसे दे दिया, आपसे बोला फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, एक चीज का बस ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर जो हमने थीटा लिया है ना, सारे ये जो थीटा थीटा लिखा है ना, वो थीटा जो होगा वो किस में होगा पता है, रेडियन में, रेडियल, रेडियन में रहेगा। ठीक है, यानी पाई, पाई बाय 2, पाई बाय 4, पाई बाय 6, जो एक्स वाई जेड जो होगा वो होगा। ठीक है, अब बोला भाई कोऑर्डिनेट पाई बाय 4 ले लेंगे। हाँ हाँ, पाई बाय 4 लेंगे। तो यहाँ पर देखो, एक मिनट रुक जाइए, वेरी गुड, समझ रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पर देखो 2 थीटा, हमें पता है कि 2 थीटा इज इक्वल टू कितना है, पाई बाय 2, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 निकल गया। पाई बाय 4, यस सर। और जो, ये जो एंगल होगा वो किस लाइन पर होगा, यहीं पर, यहाँ कहीं होगा, यही होगा ना, सेंटर ऑफ मास बीच में जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं आर सी एम इज इक्वल टू कितना होगा, फिर से फॉर्मूला लिखता हूं, आर साइन थीटा अपॉन थीटा। तो आर साइन पाई बाय 4 कितना होता है, 1 बाय रूट टू। चलो ठीक है, तो यहाँ रूट टू लिख दिए और थीटा को पाई बाय 4 कर दिए, कोई प्रॉब्लम? नो सर, नो सर, लेकिन ये अभी कोऑर्डिनेट नहीं पता चला इसका, एक्स वाई कोऑर्डिनेट, ये आर सी एम पता चल गया। Yes, अब ये हो गया, ये देखो ये एक्स सी एम हो जाएगा और ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, वाई सी एम। ठीक है, yes, तो प्रॉब्लम यहाँ तक, यस सर, ठीक है, कंफर्टेबल है आप लोग? यस सर। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, एक्स सी एम इज इक्वल टू आर सी एम कॉस 45 डिग्री। सर कैसे, तो कितना, देखो ये आर सी एम यहाँ से यहाँ तक का लंबाई आर सी एम है। यस सर, यस सर। अब ये थीटा 45 डिग्री पर जा रहा है, 45 डिग्री पर ये लाइन जाएगा ना। यस सर, ये वाला एक्स सी एम हो गया, ये वाला वाई सी एम हो गया। हाँ यस सर, हो जाएगा, हो गया, आसान yes, है सारी चीजें, बस ध्यान से देखते जाना है। 4r अपॉन पाई, यहाँ पर रूट टू पाई रहेगा और यहाँ पर कॉस 45 का रूट टू आ जाएगा।
तो ये क्या हो जाएगा, 4r अपॉन 2π, 2 से 2 कैंसिल करो, 2r अपॉन पाई आ गया, ठीक है, एक्सीएम आ गया, ठीक है, सब में इसमें एक 2r अपॉन पाई आना जरूरी है। अरे 2r अपॉन पाई जरूरी नहीं है, आ गया ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे तो कुछ भी आ सकता है ना। हाँ कुछ भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं हो तो किस्मत ऐसा था कि आ गया, इसमें क्या करना है। XCM आ गया 2r अपॉन पाई, अब देख लेते हैं YCM, YCM क्या हो गया, RCM sin 45 डिग्री, कोई डाउट हो रहा है क्या sin 45 में? नो सर। तो फिर वो घूम फिर करके ये भी कितना आएगा, 2r अपॉन पाई तो सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना हो जाएगा, 2r अपॉन पाई कमा 2r अपॉन पाई, है? यस सर। फटाफट नोट डाउन, नोट डाउन। सर हाथ जम गया है सर, नोट नहीं हो रहा। हाथ जम गया है? यस सर। स्क्रीनशॉट लीजिए सर, नहीं नोट कर लेंगे। आप रब कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए सर, नोट कर रहे हैं, एक मिनट। चलिए कीजिए कीजिए। डन सर। हो गया? यस। चलो
ठीक है चलिए अब देखते हैं yes. भाई ये वाला तो आर्क वाला तो देख लिए, अब डिस्क देखते हैं, डिस्क के पार्ट का ठीक है, पार्ट ऑफ सर्कुलर डिस्क पार्ट ऑफ सर्कुलर डिस्क ठीक है वही बात करेंगे, ऐसे रहता है पूरा गोल, लेकिन हमने क्या किया कुछ पार्ट को लिया, ये डिस्क है, ये रेडियस आर है, और जो एंगल एंगल जो दिया हुआ है तो फिर से वही चीज है टू थीटा, एंगल टू थीटा, तो फिर अब क्या होगा इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा इसके बीच वाले लाइन पर, ठीक है इसका सेंटर ऑफ मास होगा तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस एक्स सी एम, भाई ये इधर रहेगा तो वाई सी एम हो जाएगा, बीच में रहेगा तो आर सी एम, जैसा जो रहेगा जिस तरीके से ही होगा, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होता है टू आर साइन थीटा अपॉन थ्री थीटा, जहां पर जो थीटा रहेगा दोनों में ही लिख दीजिएगा थीटा इज इन रेडियन, चलो लिखो सर बोलो, पार्ट ऑफ पर्टिकुलर डिस्क मतलब जैसे प्लेट है, ये पूरा बड़ा सा प्लेट था, अब एक्सपेरिमेंट करने का मन किया आप लोग को ये वाला पार्ट काट करके निकाल दिए, ये इस वाले पार्ट का, ओके सर ठीक है यस हो गया नोट, थोड़ा फास्ट करो जी 10:36 हो गया, सर डन डन सर बस एक मिनट अब इसी का एक एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल किसका देंगे सेमी सर्कुलर डिस्क का, क्योंकि उसका आंसर आप लोग को पता है, आंसर मैच करना चाहिए तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है ये डिस्क है, आपको पता है कि इसका टू थीटा कितना हो गया पाई हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाय टू, अब सबको पता है यहीं पर होगा सेंटर ऑफ मास,
तो लिख देते हैं वाई सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लिखेंगे। बताओ जी फॉर्मूला, बताओ जी क्या फॉर्मूला था? क्या सर? अभी जो फॉर्मूला बताया क्या था सर्कुलर डिस्क के पार्ट का? मैं फॉर्मूले अभी फॉर्मूला बताया ना लिखा 2r sin θ / 3π 2r sin θ / 3θ ठीक है। तो y सेंटर ऑफ मास लिखेंगे 2r sin of थीटा की जगह पाई by 2, 3 थीटा की जगह पाई by 2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, sin 90 की वैल्यू 1 होता है, 4r/3π। सेम आंसर आ गया? यस सर। थोड़ा तेजी से ठीक है। अब देखो अभी तक हमने जो जो पढ़ा है उसको एक बार एक छोटे से पार्ट में लिख देते हैं, ठीक है। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन यानी बॉडी शेप, कॉन्फ़िगरेशन यानी बॉडी शेप, ये क्या होगा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो बॉडी शेप में हमने सबसे पहले क्या देखा, रिंग, रिंग का सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर था डायमीटर से 2r/π। उसके बाद हमने देखा यस सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग। उसके बाद हमने क्या देखा हाफ डिस्क, हाफ डिस्क का कहां पर था हेमंत बताइए? फोर आर बाय थ्री पाई। उसके बाद कहाँ आ गया होलो हेमिस्फीयर। आप लोग बोलते जाइए तभी तो दिमाग में रहेगा होलो हेमिस्फीयर r/2। होलो हेमिस्फीयर का क्या था r/2। उसके बाद क्या था सॉलिड हेमिस्फीयर कितना था 3r/8। उसके बाद हमने पढ़ा होलो कोन, होलो कोन का कहाँ था
h by 3 from base. From base. Solid cone h by 4 from base. इतना ही पढ़ा अभी तक, ये सारी चीजें आपको याद रखनी चाहिए. चलो नोट डाउन करो. यस सर. सर ये भी नोट करें क्या? आप करना.
हो गया। कितना टाइम लेते हो जी? सर हो गया मेरा तो। ठीक है, अब तुमको बताए थे दो बॉडी का, आप लोग को बताया था मैंने दो बॉडी का कंपोजिट सिस्टम का। जब दो बॉडी है कनेक्टेड है तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या था? m1x1 + m2x2 / m1 + m2। तो अब एक क्वेश्चन आप लोगों को बोलता हूं, लिखते जाइए। फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्मली डेंस ऑब्जेक्ट। देखिए एक मिनट रुक जाइए यार, ये तो पूरा का पूरा उल्टा हो गया। देखिए फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्मली डेंस ऑब्जेक्ट विच कंसिस्ट ऑफ ए फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्मली डेंस ऑब्जेक्ट विच कंसिस्ट ऑफ ए हेमिस्फीयर consist of a hemisphere joined at the sir hemisphere ke baad bol de hemisphere joined joined at the at the base of a cone joined at the base of a cone as shown। ठीक है, देखिए base of the cone as shown base of a cone as shown ashown shown जैसा कि दिख रहा है, मैं डायग्राम दूंगा यहां। ये कौन है? यूनिफॉर्मली डेंस कौन है और यहां पर क्या है? एक स्फीयर को हमने कनेक्ट कर दिया बेस के ऊपर। यानी ये जो सिस्टम जो बना हुआ है वो किससे मिलकर के बना हुआ है? एक कौन और कौन और एक हेमिस्फीयर से। वेरी गुड, बोला गया। ये यहां से हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है इस लाइन से। ये देखो, ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, इसी के अबाउट रहना ही है। ठीक है, ये हमारा क्या एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ मास इसी पर होगा। इसका हमें क्वेश्चन में जो गिवन है वो मैं बता रहा हूं। इसका रेडियस आर गिवन है और इसका जो हाइट दिया हुआ है इसका हाइट जो है वो 3R दिया हुआ है। ठीक है, तो जब हमें यहां से फाइंड करना है, इससे हमने ओ दे दिया। अब हमें जब यहां से फाइंड करना है तो देखो वाई सेंटर ऑफ मास में ही होगा, वाई एक्सिस पर ही होगा। तो वाई सेंटर ऑफ मास हम सिंपल जानते हैं m1y1 + m2y2 / m1 + m2। हाइट हाइट दिया हुआ है, ये गिवन है। रेड पेन से जो भी लिखा हुआ सारी चीजें गिवन है। ठीक है, ओके सर। ओके सर, यस सर। तो ये फॉर्मूला लगेगा, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपकी मर्जी, जिसको जिसको एम वन मानना है एम वन मान लो, जिसको एम टू मानना है एम टू मान लो। हमने इसे एम वन मान लिया और हमने इसे क्या मान लिया? एम टू। ठीक है, बोल रहा है यूनिफॉर्मली डेंस तो दोनों की डेंसिटी तो सेम होगी। तो m1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? डेंसिटी इनटू v1, डेंसिटी तो दोनों की सेम ही रहनी है। तो
तो डेंसिटी रो लिख दो और V1 क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है अंचित? सर 2/3 pi r³ शायद, 2/3 शायद नहीं, यही होता है 2/3 pi r³। तो यहां पर हमारा आ गया 2/3 ρ π r³। एक काम करते हैं, इसे m मान देते हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या? बार बार जो रो पाई आर क्यूब लिखेंगे, इससे अच्छा इसे m लिख दो। तो yes, ये क्या हो गया 2/3 m, कोई प्रॉब्लम? नो सर, लो तो कैंसिल हो जाएगा ना। कौन? डेंसिटी। हाँ डेंसिटी तो कैंसल आउट हो जाना है, वो एम भी कैंसल आउट हो जाएगा, टेंशन ना लो, लिख दिया वो तो डेंसिटी कैंसल आउट। मैंने आप लोग के कंफर्टेबिलिटी के लिए डेंसिटी लिख दिया, क्योंकि यहाँ भी देखो डेंसिटी कॉमन, यहाँ भी डेंसिटी कॉमन, कैंसल आउट होना है। यस सर। एम टू रो इंटू वी टू, बता गर्व कौन का वॉल्यूम कितना होगा? तुम लोग दोनों को ना, गर्व और हेमंत, तुम लोग दोनों को जो है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एच एच क्या है 3r, कोई प्रॉब्लम? नो सर, नो सर, ठीक है, 3 से 3 कैंसल हो गया। यस सर। तो देखो रो पाई आर क्यूब, यहाँ भी क्या बच रहा है, रो पाई आर क्यूब, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम टू इज इक्वल टू एम आ गया। यस सर, ठीक है सर, चलो यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या हो गया सर, वैल्यू पुट कर देनी है। अब देखो, अब यहाँ पर आएगा y1 वाले का वैल्यू। अब देखो ये चीज आप लोगों को पता है, इसका सेंटर ऑफ मास जहां होगा उस डिस्टेंस को हम y1 कहेंगे, और इसका सेंटर ऑफ मास जहां पर होगा उस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, y2 कहेंगे। तो बताओ सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास कहां होता है? h/4 हाँ, तो y2 इज इक्वल टू यहाँ पर h की वैल्यू कितना है, 3r/4। यस सर। और y1 की वैल्यू, y1 कितना होता है, 4, सॉरी इसका 3r/8 होता है, 3r/8 सॉरी, कोई प्रॉब्लम? नो सर, नो सर, इसका स्क्रीनशॉट लो। आगे सॉल्व करूंगा, अभी इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ठीक है, हो गया? यस सर। ठीक है, अब हम फॉर्मूला पुट करते हैं। YCM इज इक्वल टू लिखा हुआ था m1 y1 + m2 y2 / m1 + m2, y सेंटर ऑफ मास लिखेंगे। m1 की वैल्यू कितनी है, 2/3 m। यस सर, यस सर, तो यहां पर क्या लिखेंगे, 2/3 m, और y1 कितना हो जाएगा, 3r/8। ना ना, माइनस, देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है डिस्टेंस, तो ये इधर इधर नीचे, देखो ये यहां से, देखो यहां से, ठीक है यहां से 3r/8 है जरूर, लेकिन ये क्या आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। यस सर, यस सर, यहां पर क्या लिखूंगा, -3r/8, कोई प्रॉब्लम? नो सर। प्लस m2 की वैल्यू m आ रहा है। यस सर, y2 3r/8, और इसका कितना आ जाएगा, पॉजिटिव का 3r/4, ठीक है। पेज को शिफ्ट कर दीजिए। क्या सर, साइड का नहीं दिख रहा, ठीक है? यस सर, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, m1 क्या है, 2/3 m,
प्लस इसका क्या हो गया एम? यस सर। अभी यहां से कैंसल आउट करो, थ्री से थ्री कटा, ये फोर हो गया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसमें से क्या एम आर को कॉमन ले लें? यस सर। यस सर। यहाँ क्या बचा? माइनस वन बाई फोर प्लस थ्री बाई फोर, यस सर। और यहाँ पर कितना हो गया? एम से एम कटा, एम से एम कैंसल आउट हो गया। पाई सेंटर ऑफ मास कितना हो गया? आर, थ्री बाय फोर माइनस वन बाय फोर, थ्री बाय टू कितना? टू बाय फोर लिखते हैं, वन बाय टू लिखते, ठीक है। और ये क्या हो गया? फाइव नीचे थ्री ऊपर, टू टू जा, तो वाई सेंटर ऑफ मास हमारा क्या आ गया? थ्री आर बाय टेन। कोई प्रॉब्लम? नो सर। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। हो गया सर। और अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, कल के क्लास में जो कराऊंगा क्वेश्चन वो होगा, ये तो कंपोजिट सिस्टम का हो जाएगा, और कल के क्लास में जो क्वेश्चन कराऊंगा वो जो रिमूव करते थे ना पार्ट को, यस सर, यस सर, यस सर। अब उसका एक बार तो आप लोग को असर दिख चुका है, तो कल जो है पूरा पढ़ करके आइएगा, तब तो कल के क्लास का हवा लगेगा। और नहीं हेमंत और अंचित गर्व तीनों, और अगर पढ़ करके नहीं आएंगे तो फिर आप लोग जानते हैं क्या होगा, देख चुके हैं पहले ही एक बार। यस सर। यस सर। चलिए, तो यहाँ तक पूरा रिवीजन लाइन बाय लाइन मतलब लिख करके सॉल्व करके आइएगा, ठीक है। बिगनिंग से सेंटर ऑफ मास से बिगनिंग सर, एकदम सेंटर ऑफ मास के शुरू से। कितना लगेगा यार? 15-20 पेज होगा, पढ़ दीजिए बैठ के, ऐसा थोड़ी ना आप लोग दिन भर मस्ती कीजिएगा सर। डिस्क्रीट का रहने देंगे ना, कंटीन्यूअस का कर लेंगे। अरे डिस्क्रीट कोई नहीं, कर लेना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जितना टाइम लगेगा उस हिसाब से अपने हिसाब से देख लेना, और ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। फाइनली टाइम इज इम्पोर्टेंट, टाइम इज नॉट इम्पोर्टेंट, टाइम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या होता है अंचित दुनिया में पता है? टाइम। टाइम पैसे से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है टाइम, इसलिए आप लोग टाइम को सेव कीजिए, ठीक है। टाइम का यूटिलाइज कीजिए, आप लोग के लिए बेहतर रहेगा। अभी बच्चे हैं, उतना अच्छे से नहीं समझ में आता होगा, लेकिन ये चीज जानिए, हम भी आप लोग जहाँ बैठे हुए हैं वहीं से आगे बढ़ करके आए हैं, और मेरा भी दिमाग वैसा ही था जैसा आप लोग सोच रहे हैं, जैसे भी आप लोग सोचते हैं करते हैं, वो सारी चीजें उसी दौर से हम भी गुजरे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा अनुभव का फायदा उठाइए आप लोग जो बोलता हूँ। तो टाइम को थोड़ा बचाइएगा, तो कम सोशल मीडिया, थोड़ा सा अपने आप को रिड्यूस करने का कोशिश कीजिए। संचित आपके लिए जरूरी था, गेम वेम जो खेलते हैं ये सब ना फालतू का गेम वेम का चक्कर छोड़िए, क्योंकि उससे क्या मिलेगा? अगर कुछ मिलता हो तो मैं मना नहीं करूंगा, कुछ मिलता है हेमंत? नो सर। अल्टीमेट फाइनली टाइम वेस्ट होता है ना, कुछ नहीं मिलता सर। और तो कुछ मिलता नहीं, कुछ अगर प्रॉफिट है फ्यूचर में जाकर के, तुम जैसे उसी गेम का कुछ मतलब उससे कुछ तुम्हें फ्यूचर में प्रॉफिट हो रहा है तो मैं मना नहीं करूंगा, खुद से सोच करके देखिएगा कि अगर उससे आप लोगों को प्रॉफिट हो तो भी ठीक है। हाँ वो भी सही बात है कि अगर आप उस लाइन में उसमें इंटरेस्टेड हैं, उसी में कुछ इम्प्रूवमेंट है, कोई चीजें हैं तो समझ में आता है, लेकिन जब नहीं है तो फिर ठीक है, उसको किनारे कीजिए धीरे धीरे। यस सर। चलिए न्यू ईयर पर इतना ही, अब कल मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you.